हेलो फ्रेंड, जैसा कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, इसीलिए मैंने साइंस की कुछ स्पेशल क्वेश्चन को एवरीडे कराऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? हवा में ध्वनि की गति, आपको हवा में ध्वनि की गति 331 मीटर पर सेकेंड होती है। उसके बाद मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 K होता है। कितना होता है? 310 K। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 310 K लिख सकते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्न में से सबसे ऊष्मा का अच्छा चालक क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी रहने वाली है। उसके बाद आपको प्रकाश प्रकाश एक है, क्या है? ट्रांसवर्स वेव, जिसको अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं। एक वस्तु अधिकतम भार कहाँ देती है? एक वस्तु का अधिकतम भार आपको वैक्यूम, जिसको निर्वात कहते हैं। किसमें पड़ती है? वैक्यूम में पड़ती है, जिसको हम वैक्यूम कहते हैं। सेकेंड, उसका लंबाई की सबसे छोटी इकाई कितनी है? लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मी मीटर। क्या है? फर्मी मीटर। एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? एक हीटर में तार आपको नाइक्रोम का बना रहता है। किसका? नाइक्रोम का बना रहता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आपको सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। पॉजिट्रॉन का आविष्कार किसने किया था? पॉजिट्रॉन का आविष्कार आपको एडिसन ने किया था। किसने किया था पॉजिट्रॉन का आविष्कार? एडिसन ने किया था पॉजिट्रॉन का आविष्कार। क्यूरी किसकी का है? क्यूरी आपको रेडियो एक्टिविटी की, किसकी है? क्यूरी रेडियो एक्टिविटी का है। आपको सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता आपको किसके द्वारा मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता आपको हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। यांत्रिक शक्ति की ऐसा ही इकाई क्या है? यांत्रिक शक्ति, जिसको हमें मैकेनिकल पावर कहते हैं, इसकी ऐसा ही इकाई आप ऐसे इसकी इकाई वाट है। वैक्यूम में हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? वैक्यूम में हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और आपको कार्य की इकाई क्या? कार्य की इकाई जूल है, ये सभी को जानते हैं। कार्य की इकाई क्या है? जूल है। एक किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। फारेनहाइट का मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री। कहीं पर आपको 98.4 डिग्री भी मिलेगा। दोनों सही है, जैसा ऑप्शन उसके हिसाब से। द मेजर ऑफ इंडक्टेंस, जिसको प्रेरकत्व कहा जाता है, इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई हेनरी होती है। क्या होती है? इसकी इकाई हेनरी हम बोलते हैं। न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज आपको चैडविक ने की थी। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है। और नाइट्रोजन के कितने परसेंट वायुमंडल में पाया जाता है? 78%। सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया था? सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने किया था। बस यही लोज प्रति एवरीडे आपको 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। वीडियो जैसा लगा लाइक से कमेंट्स करते जाइए। जय हिंद, जय भारत।